और बड़ी खबर आ रखी है दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली एयरपोर्ट की बिजली गुल हो गई है, जिसका असर डोमेस्टिक इंटरनेशनल सभी फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। और पिछले 10 मिनट से दिल्ली एयरपोर्ट पर बिजली गुल है, इसकी वजह से एयरपोर्ट के कामकाज पर भी काफी असर पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं बिजली गुल होने की वजह से। हालांकि उस पर वर्क किया जा रहा है, बहरहाल 10 मिनट बताई जा रही है वजह कि 10 मिनट से हालांकि बताया जा रहा है कि लाइट नहीं है, क्या वजह है ये अभी फिलहाल जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है, लेकिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि फ्लाइट डिले हो रही है। और जनता दर्शन को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, हर जिला रेंज और जोन स्तर पर जनता दर्शन हो, जनता दर्शन से लोगों को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं, आम आदमी का विश्वास जीते, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। जहां पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम का मुद्दा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून को ना सही, 16 जून को सही, विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जाँच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जाँच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करें। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलॉन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलोन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है।
अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।